जी, हमने स्वामी जी ने जेल से कंप्लेंट भेजी है. दैट इज़ नॉट अ लेटर, दैट इज़ कंप्लेंट. कंप्लेंट की है कि जो चार लोग हैं उनके खिलाफ और उनके फादर के खिलाफ भी, क्योंकि वो भी उसमें शामिल है. जो षड्यंत्र था 5 करोड़ का, उसमें वो भी शामिल है, उनके फादर भी शामिल है, हमें ऐसा लगता है. क्योंकि जो FIR है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने, तो दैट द वर्ड जो यूज़ किया है कुछ लोगों ने, उसमें उनके फादर भी आते हैं. इसलिए हमने जो गैंगस्टर यूपी गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत जो सेक्शंस लगने चाहिए, जो प्रोविजंस लगने चाहिए जिसमें कि उनको पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए 4 और 5 लोगों को, उसके लिए हमने प्रोसीड किया है. स्वामी जी ने कंप्लेंट भेजी है थ्रू जेल अथॉरिटी SP साहब को, और हमने जो है साथ में हमने CGM साहब के पास भी एक पिटीशन एप्लीकेशन लगाई थी. दैट इज़ नॉट पिटीशन बट एप्लीकेशन थी कि आपको नॉलेज है इस क्राइम का, क्योंकि आपके पास बेल लगी, आपके पास रिमांड हुआ, आपने JC में भेजा दोनों FIR में, तो आपको इस बात का नॉलेज है, तो आप इसमें जो है वो एक्शन ले, और प्रॉपर एक्शन लेके इसको जो है, इस एप्लीकेशन को जो है ट्रांसफ़र करें स्पेशल कोर्ट में. क्योंकि मुझे यहाँ पता चला कि यूपी गैंगस्टर एक्ट का एक कोर्ट होता है, स्पेशल कोर्ट होता है, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल यू नो एक्ट, इस स्टेट का स्पेशल एक्ट है, इसलिए इसके लिए स्पेशल कोर्ट है. तो मैजिस्ट्रेट को पावर है, विद इन ही हैज़ अ पावर कि वो जो है उसको ट्रांसफ़र करे. तो हमने वो एप्लीकेशन में बहस हुई है काफ़ी हमारी कल, अब देखिए क्या ऑर्डर होता है. जी उसमें जो 4 लोग हैं वो तो ऑलरेडी हैं, और हमारा टारगेट उनके फादर भी हैं, क्योंकि उनके फादर के खिलाफ पहले भी बहुत सारी FIRs हैं. 420 की FIR है, और भी हैं, चीटिंग की FIR है, तो वो भी गैंग में शामिल है. जी क्या इसमें मिस ए उनके पिता और उनके तीनों सहयोगियों? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आने चाहिए.